ये उस सिटी का मिनिएचर है। व्हाट तो गाइस यार, वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का जुबेश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई बिल्ड्स की, और ऐसे वैसे बिल्ड नहीं भाई, जो हम लोग रेगुलरली बना लेते हैं भाई 12-13-24 दो दिन तीन दिन में भाई, ऐसे बिल्ड जिनको बनाने में लिटरल भाई दिनों के दिनों महीनों को महीनों लग जाते हैं, ऐसे बिल्ड हम लोग देखने वाले हैं। और कुछ तो मैं लाइक मैंने खाली फोटोज देखी और भाई मैं पागल हो गया, मैंने कहा ये बनाए कैसे इन लोगों ने। तो आज हम लोग ऐसी बहुत सारे बिल्ड्स देखने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर दैट। और क्या पता फ्यूचर में ऐसे कुछ बिल्ड्स हम भी बनाए, तो उसके लिए जल्दी से लाइक वाला बटन दबा देना भाई, 100 के लाइक का गोल लगा रहा तुम्हारा भाई। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर भी हाथ मार दो यार, 100 के सब्सक्राइबर बचते हैं खाली 3 मिलियन के लिए, तो जल्दी से कर देना। और बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस यार, सबसे पहला बिल्ड जो हम देखने वाले हैं वो है भाई बाय वरुणा, जो कि है द सिटी ऑफ ओरारियो। थोड़ा सा नाम कठिन है बोलना, बट यस, सिटी ऑफ ओरारियो। चलो देखते हैं भाई सिटी ऑफ ओरारियो कैसी लगती है वरुणा भाई की, लेट्स सी। व्हाट द हेल डूड, ये सिनेमैटिक में भी, अच्छा नहीं ओके, मेरे को लगा भाई ये सिनेमैटिक में भी एडिट हो रहा है, मतलब वो काम कर रहा है भाई। ओश भाई, पूरी प्रॉपर रोम की सिटी बना दी है भाई बंदे ने माइनक्राफ्ट के ओ भाई भाई, एक भाई मेरे को लिटरल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा छोटा सा एक घर बनाने में कम से कम नहीं भी तो 1 घंटा लगेगा। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना घरों को, बहुत ध्यान से, अगर तुम बिल्कुल एकदम घुस के देखो, जैसे ये वाला घर देखो जो हमारे पास है सबसे इधर पे भाई, उसमें चिमनियां हैं, उसमें घर है, प्रॉपर बिल्ड है अंदर से, चाहे उसने बिल्ड कराओ नहीं कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इतने सारे इंडिविजुअल घर बनाना, और सारे के सारे अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे डिफरेंट है मैक्सिमम, सारे के सारे मेरे को जितना दूर दूर तक मैं देख रहा हूँ भाई, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। सबकी चिमनियां अलग निकली हुई है, किसी घर में कोई छोटा सा घर और है, बीच बीच में टाउन हॉल जैसे बना रखे भाई, वो देखो कितना कूल लग रहा है, वैसे प्रेसिडेंट का घर जैसा लग रहा है। उधर पे भी कुछ बड़ा सा भाई पब वब, ये तो कॉलेसियम है भाई, यहाँ पर फाइट वाइट होती है, ये तो मैंने भी सोच रखा है बनाने की, बट इस लेवल का तो नहीं बना भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत डिटेल्ड है भाई। बट कॉलेसियम तो मैंने भी सोची हुई है बनाने के लिए, फिर जैक को वहीं ले जाके कूटूंगा, देखना तुम लोग भाई। ये क्या बिल्ड है ब्रो, ये क्या टावर है यार, मेरे को नहीं लग रहा कि इसने ये ऊपर से लावा फेंक के पानी डाल रखा है, ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक लग रहा है ब्रो। ओ भाई बिल्ड तो है भाई, मानना तो पड़ेगा रे। अरे भाई भाई एडिटिंग भी है रे, बिल्ड नहीं खाली एडिटिंग भी है भाई। ओ भाई भाई साहब, अरे ध्यान से देखा जाए, अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ऐसे नहीं लग रहा अटैक ऑफ टाइटन की थीम पे बना हुआ है पूरा का पूरा। उसमें भी तो ऐसे होता है लाइक जो टाइटन होते हैं वो ऐसी तो दीवार वीवार तोड़ के आते हैं, और ऐसी सिटीज होती है एकदम कोलाइडेड ऐसे चिपकी चिपकी सी भाई, ये बिल्ड तो बहुत तगड़ा है भाई। गाइस यार, जो अगला बिल्ड हम लोग देखने वाले हैं वो है ट्रिक्सी ब्लॉक्स की तरफ से, ट्रिक्सी ब्लॉक्स ने बना रखी है वीडियो भाई साहब। ये क्या है ब्रो, ओ भाई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर टाइटन, ओ पूरा का पूरा थैनोस का घर बना दिया भाई उसने, ये टाइटन का हाउस है, मतलब प्लेनेट है। अभी अभी अटैक ऑफ टाइटन वाला बिल्ड देखा था, उसके बाद सीधे यही दिख गया भाई। ओ भाई भाई, तुम लोग एक बार इसको ध्यान से देखो, इस बिल्ड को पूरा का पूरा इसमें आंख गड़ा के देखो भाई साहब, ये क्या बिल्ड है भाई। ये दिखने का ऐसा लग रहा है कि कुछ भी उठपटांग इधर उधर भाई, वो एक एक ब्लॉक लगाया गया है, तुम लोग देख रहे हो ध्यान से, वो एक एक ब्लॉक लगाया गया, और खास करके जो उसका ऊपर का डोम बना रखा है वो देखो भाई, उसमें कितना आड़ा टेढ़े ब्लॉक तोड़ने पड़े होंगे, कितना ब्लॉक लगाने पड़े होंगे भाई साहब। और जमीन तक पूरी की पूरी वो है रैंडम है पूरी, ये जमीन नॉर्मल नहीं है भाई, इसमें TNT बजाए गए और बीच बीच में सैंड वैंड सैंड स्टोन ये सारी चीजें डाल रखी है साहब भाई। भाई
भाई ये क्या बिल्ड है ब्रो, मैं मजाक नहीं करो रे, लाइक ये इतना यूजफुल नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये कि तुम समझ रहे हो, मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि रहना चाहेगा बंदा भी ये, लेकिन तुम बस दिमाग लगाओ कि बंदे ने भाई पूरा टाइटन का घर बना दिया और वो पूरा का पूरा देख रहे हो कितना कूल लग रहा है। भाई अगर तुम लोग मार्वल के फैन हो और तुम्हें ये जगह पता है जहां से थेनोस आया था, तो भाई ये बिल्कुल नॉस्टैल्जिक टाइप का हो जा रहा है और कितना कूल लग रहा है भाई देखने में। डैम ब्रो। तो गाइस यार मैंने सही बता रहा हूँ, तुम लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक फोटो डाउनलोड करी टाइटन वर्ल्ड की, जो कि थेनोस का वर्ल्ड है पूरा का पूरा, लाइक प्लैनेट है थेनोस जहां से आया था। तो भाई उसको देखो ये, ठीक है ये वो है रियल जो मूवी में था, और भाई उसके बाद इस बंदे का बिल्ड देखो भाई, एकदम सेम लग रहा है, देख रहे हो तुम लोग क्या कूल बना रखा है भाई। मैं क्या नहीं दूं भाई इस वर्ल्ड में जाने के लिए एक बार पूरा इसको एक्सप्लोर करने के लिए, भाई कितना ज्यादा कूल लग रहा है भाई। एज अ मार्वल फैन मेरे को तो बहुत ज्यादा कूल लग रहा है भाई। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोगों को सबसे बढ़िया बिल्ड कौन सा लगा, वो पूरा का पूरा बताना मेरे को, और अगर हम लोग भी ऐसा कुछ क्रेजी बनाए अपने वर्ल्ड में तो वो भी बताना। चलो अगला देखते हैं। तो गाइस यार जो अगला बिल्ड हम लोग देखने वाले हैं वो है माइनक्राफ्ट हब की तरफ से, 5 बेस्ट सर्वाइवल वर्ल्ड्स इन माइनक्राफ्ट। भाई साहब देखें हम भी जरा 5 बेस्ट वर्ल्ड कैसे दिखते हैं। ओ भाई साहब ये क्या बिल्ड है, भाई ये एक रैंडम वॉल्टर करके बंदा है उसका बिल्ड है, और देखो एक बार क्या बिल्ड बनाया इसने। भाई ये कितना कूल लग रहा है, वो छल्ले कितने प्यारे लग रहे हैं ब्रो, और उसने ऊपर से डैम ये गोल्ड फॉर्म है। ओ भाई साहब भाई ये लोग क्या क्रेजी कर देते रे, ये क्या खतरनाक चीज कर भाई, देखो एक बार पूरी एमरल्ड की सिटी बना दी उसने यार। आई होप मेरे रेड फार्म से भी मैं ऐसा कुछ बना सकूं भाई। ओ व्हाट व्हाट द हेक भाई, वहां पर एक अलग से उसने एमरल्ड की सिटी बनाई हुई है, एमरल्ड की सिटी के बगल में उसने कुछ रेडस्टोन, नहीं गोल्ड की सिटी बना रखी है, सोने की पूरी, ठीक है सोने की सिटी बना रखी है। उसके बाद उसने एक लैपिस लजूली की सिटी बना रखी है, उसके बाद उसने रेडस्टोन की सिटी बना रखी है। ओ भाई साहब रैंडम वॉल्टर भाई कैसे, ओ भाई साहब ये पानी के नीचे का है, ओ भाई साहब, ओ ये देखो एक बार इस बिल्ड को भाई, कह दो कि ये क्रेजी नहीं है भाई। हेलो उसने लिटरली एक पूरा सेंटर पे देख रहे हो ओवरवर्ल्ड के सारे, पहले उसने बायोम रख रखे जो सेंटर का सील्ड है, उसके बाद साइड में उसने प्रॉपर ऐसे करके क्या कहते हैं रिंग्स बना रखे, रिंग्स करके छल्ले, और उनको भी जोड़ रखा अंदर ही अंदर से ट्यूब्स में। भाई क्या ही क्रेजी बिल्ड है भाई, ये क्या क्रेजी बिल्ड है भाई, मुझे रुको देखते हैं एक बारी अगर हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर जा पाए तो। गाइस यार थोड़ा टाइम लग गया बट फाइनली मैंने वर्ल्ड डाउनलोड करके लगा दिया है। भाई साहब सबसे पहले तो वेलकम, यू आर नाउ इन द नेदर हब, गो थ्रू द पोर्टल इन द मिडिल टू सी द मेन बिल्ड। ओ भाई साहब भाई की तो कूल बना, हब भी देखो कुछ कम नहीं है, ठीक है मतलब हब ठीक ठाक। ओके ये उस सिटी का मिनिएचर है, व्हाट बिग ब्रेन भाई, ये उस सिटी का मिनिएचर है, देख रहे हो ये देखो रेडस्टोन एमरल्ड सिटी ये पूरा का पूरा। ओ भाई साहब उस बंदे ने सेम सिटी का एक छोटा सा मिनिएचर, भाई यार ये होता है दिमाग भाई, ये देख रहे हो चारों तरफ से ऐसे ब्लॉक्स होंगे करके उसने प्रॉपर बता रखा है। लेट्स सी गाइस लेट्स गो इन, देखते हैं भाई कि क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या रहेगा बिल्ड भाई हम लोग अपनी आंखों से देखने वाले। और मैं तो बोलता हूँ भाई टाइम डे करके ना एकदम मस्त करके उसमें देखेंगे हम लोग, क्या कहते हैं प्रॉपर ग्राफिक्स में एकदम। अरे ये यही है, ओ भाई लग तो यही रहा भाई। गाइस हम लोग मेन बिल्ड में आ चुके हैं, ये देखो नानू निन्नी नैनू, ये क्या है भाई साहब। भाई रुको मैं अपना, भाई मेरे को पता है इसे लैग होने वाला है बट मैं अपना थोड़ा रेंडर चंक बढ़ाने वाला हूँ भाई, मेरे को ये बिल्ड ढंग से देखना है यार।
ओ भाई साहब, ये देख रहे हो तुम लोग, ये पूरा वो एमरल्ड सिटीज, वो पूरा रेडस्टोन के बिल्ड, ये पूरे प्रॉपर जो मैंने तुम लोग को दिखाए थे वो इंडस्ट्रियल एरिया, पूरा प्रॉपर एकदम सिटी वाला एरिया। ओ भाई साहब, भाई कितना ज्यादा टाइम लगा होगा इस बिल्डिंग के अंदर बनाने में। देख रहे हो तुम लोग, ये देखो ना, ये कितना ज्यादा कूल है, इसके अंदर ऐसे जाने का बैठने का पूरा। ओ वाओ ब्रो, ये बीच का सन है एक तरह। ओके ये सन है, तो ये प्लैनेट वो अर्थ है। ओके तो मैं यही सोच रहा था कि ये चार तरफ से लाइक लोहा की चिपका रखा है। भाई ये सीढ़ी वो है, सोलर सिस्टम है ये पूरा हमारा। ये सन है बीच में और ये सारे के सारे प्लैनेट से दूसरे छोटे छोटे से। भाई काश मैं भी ऐसा कुछ बना पा। भाई मेरे को ये देखना था, यप ये देखना था मेरे को, ये वाली चीज। भाई साहब, भाई ये क्या बिल्डर है, क्या बनाया भाई उसने, ये देखो ये पूरा जन। ओ वेट, अच्छा नहीं, यहाँ देखा मैंने बोला था ना कि अंदर से नहीं भी डेकोरेट किया होगा तो बाहर से बहुत खतरनाक डेकोरेट किया। अंदर से मतलब बेसिकली डेकोरेट नहीं, उसने रहने लायक बना रखा है, बस उसने बेड वेड सारा सामान नहीं डाल रखा। देख रहे हो कितना कूल लग रहा है ये। भाई साहब टेल मी भाई कि तुम लोग यहाँ रहना नहीं चाहोगे। भाई ये देखो ये पूरी रेडस्टोन की सिटी बना रखी है उसने। भाई रुको इसको एक बार ना शेडर्स में देखते हैं। भाई शेडर्स में भी देखने में अलग मजा आएगा मेरे हिसाब से, पता नहीं, देखते हैं भाई क्या ही कूल। ओ भाई साहब, ओके भाई ये शेडर्स के लिए ही बना है। भाई ये प्रिज्मरीन ब्लॉक क्या चमक रहे, देख रहे हो क्या भाई? यार पता नहीं भाई कितना ज्यादा टाइम लगा होगा भाई को बनाने में ये चीज। आई थिंक 2000 घंटे से ज्यादा लगा है, तुम समझ रहे हो, रियल लाइफ 2000 घंटे। 2000 डिवाइडेड बाय 24 बताना मेरे को कितना होता है भाई। 2000 डिवाइडेड बाय 24 इस बंदे ने टाइम लगाया। भाई मेरा पीसी पूरा का पूरा अटक रहा है इसको दिखाने में, और ये देखो जरा। ओ भाई साहब, और ये देख रहे हो तुम लोग, कहीं पे भी कहीं से भी जा सकते हो इस रास्ते के थ्रू। ये पूरा ट्यूबवेल टाइप का एकदम रास्ता है, देख रहे हो कहीं से। भाई साहब यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो दीवाना हो गया हूँ भाई इस बिल्ड का। तुम लोग बताना भाई ये अभी तक का लाइफ में मैंने जो सबसे कूलेस्ट बिल्ड देखा है ना, ये वो है भाई, उनमें से एक है ये जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सबसे कूल बिल्ड्स देखे। मेरे को लगता था कि मैंने काफ़ी बिल्ड देखे हैं बनाए हुए, बट ये क्या कूल है भाई। 2000 घंटे भाई डिवाइडेड बाई 24, तुम लोग बताना गारंटीड कितने दिन होते हैं भाई। 2000 घंटे का मतलब कितने दिन भाई साहब। यार है तो इंसेन भाई, जो भी बोल लो तुम लोग। गाइस यार उस बिल्ड ने तो भाई लिटरली दिमाग ही खराब कर दिया भाई, दिमाग उड़ने को तैयार हो गया। क्या बिल्ड था वो, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बट अगला हम लोग देखने वाले स्मॉलिश बीन्स का जो ये वर्ल्ड है पूरा का पूरा सर्वाइवल में। भाई ये भी कुछ कम नहीं लग रहा, देख रहे हो तुम लोग। भाई इस बंदे ने पूरी एक मिडिवल सिटी बना दी है अपने घर को, लाइक अपना पूरे सर्वाइवल में एक मिडिवल सिटी, इतने बड़े बड़े कासल। भाई मेरे को एक छोटा सा कासल बनाने में इतना टाइम, भाई डे 1400 1400वां दिन है उसका ये। ओ भाई साहब क्या कूल लग रहा है, 1400 दिन लग गए माइनक्राफ्ट के भाई करते करते इसको। डैम ब्रो तुम सोचो 20 मिनट का एक माइनक्राफ्ट डे होता है, तो 1400 × 20 कर लो भाई, और अगर कभी कभार सो भी क्या होगा तो 1400 × 15 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बट भाई ये क्या भाई वो देखो वो ऊपर राइट में जो वो है, क्या कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, यार क्या बोलते हैं उसको, जो बड़ा सा बलून होता है, ब्लिम्प बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेरे को कमेंट में बताना, मैं भूल गया यार, दिमाग से निकल गया। यार ये कितना कूल लग रहा है, लिटरल एक पुरानी विलेज। ओ भाई साहब वेट अ मिनट, भाई वो कासल दिखो, वो व्हाट भाई वो सिटी देखी तुम लोगों ने पीछे? डैम ब्रो यार मेरे को ना इस वर्ल्ड के अंदर भी घुसने का, क्योंकि ये ना भाई जहां दिखा रहे। ओ भाई साहब उसने वाटर के ऊपर भी एक पूरी सिटी बना रखी है, व्हाट। ये देखो भाई ये कासल, भाई ये कासल, भाई मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई जो चीज़ें मेरे को देखनी, मेरे को ऐसा एंग्जाइटी हो रही ना, जो चीज़ें मेरे को ध्यान से देखनी वो चीज़ उसे हटा दे रहा है भाई। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ देखने की, बट वही चीज़ें हट जा रही है। वो भाई पानी के अंदर उसने गैप भी बना रखा है, देखो मतलब वो नाली टाइप का हो जा रहा है ना बेसिकली, देखो पूरी सिटी का पानी यहाँ पर आ रहा है करके, और वो थोड़ा गंदगी भी बनाई हुई है। कूल है भाई, कूल है भाई, मानना तो पड़ेगा भाई, क्या क्रेजी दिमाग लो। व्हाट ये क्या था वो भाई? ओ भाई बिग ब्रेन, ओ भाई बिग ब्रेन, ध्यान से देखो ये क्या है। मेरे को लगा पहले ये नेदर में है, लेकिन मैंने कहा नेदर में इतना लाल लाल कैसे होता है भाई, उसने दिमाग देखो उसका।
उस बंदे ने इसको एक लाइक उसके अंदर बना दिया, एक क्या कहते उसे टावर कासल के अंदर जैसा, मतलब केव के अंदर जैसा कुछ बना दिया उसने, घर बना दिया, बीच हाउस लग रहा है प्रॉपर। और उसके साथ साथ उसने पूरा का पूरा जो छत थी उसको, जो हम कांच वाली लेयर करते हैं लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर ताकि वो थोड़ा कूल सा दिखे, समझ रहे हो, एक फॉग वाला इफेक्ट है, उस बंदे ने वही आसमान में कर दिया है जमीन की जगह। तो वो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सिर्फ, ओ भाई बिग ब्रेन भाई, दिमाग देखो भाई, ये तो मैं गारंटीड यूज करने वाला भाई, ये चीज मैं गारंटीड कहीं ना कहीं करूंगा, तुम लोग बस देखते रहो भाई, ये बहुत ज्यादा कूल चीज है भाई। क्या दिमाग भाई, क्या ही दिमाग लगाया भाई ने यार, मजा आ गया भाई, वो बहुत ज्यादा कूल चीज थी। अच्छा बाय द वे, जो हम लोग अभी बिल्ड देख रहे थे वो एक्चुअली लोबोस गैराज का था, ना कि बीन्स का। वो बीन्स हमने देख लिया था ऑलरेडी। और भाई ये बिल्ड भी भाई ये थोड़ा ज्यादा क्रेजी था भाई उस वाले से, मैं गारंटी कर सकता हूँ भाई। गाइज यार ये कुछ इनसेन बिल्ड्स थे जो हम लोगों ने देखे, बट भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भाई फैन हुआ तो एक बिल्ड का, वो था आंड्रे का इक्विलिब्रियम सिटी, जो कि पूरा हम लोग उसके अंदर घुस के भी आए भाई ने, भाई वर्ल्ड का डाउनलोड ऑप्शन भी दे रखा था भाई। मेरे हिसाब से तो ये अभी तक का सबसे कूलेस्ट चीज थी। और बाकी मैं क्या सोच रहा हूँ पता है क्या, ये रिएक्शन सीरीज को ना एक और ट्विस्ट देते हैं। तो जिस ट्विस्ट की बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि मैं तुम लोगों के बिल्ड्स को रिव्यू करूंगा। कहने का मतलब है कि तुम लोगों ने भी कुछ कम काम नहीं करा होगा भाई, सीधी सी बात है यार, मेरी जनता है तो कुछ अच्छा ही करेगी। तो भाई तुम लोगों ने भी कुछ तो बिल्ड बना रखे होंगे, तो मेरे डिस्कॉर्ड पे मैं एक चैनल बनाने वाला हूँ, वहां पर तुम लोग इमेजेस पोस्ट कर सकते हो अपने बिल्ड्स की। और उसके बाद अगर तुम लोगों का बिल्ड अच्छा होगा तो हमारे डिस्कॉर्ड मेंबर्स लाइक तुमसे बात करके, जो मॉड्स है हमारे, वो तुमसे बात करके तुम्हारे वर्ल्ड लाइक करेंगे, तुम्हारा नाम वाम मैं फीचर करूंगा अगली वीडियो में, और तुम्हारा बिल्ड पे हम लोग रिएक्शन करेंगे कितना अच्छा बिल्ड है और कितना बुरा बिल्ड है, वो पूरे का पूरा तुम लोग बताना। तो वो एक अलग से हमारा थोड़ा इंटरेक्शन वाली चीज आएगी ना, सब्सक्राइबर्स के बिल्ड को रिव्यू करना, वो थोड़ा कूल चीज बनेगी। बाकी आज का एपिसोड तो बहुत ज्यादा कूल था और भाई मेरा तो दिमाग फट गया भाई कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तुम लोग बताना तुम लोगों का बेस्ट फेवरेट बिल्ड कौन सा वाला था कॉमेंट सेक्शन में, और ये चीज हम लोग करेंगे। तो तुम लोगों का पूरा चाहिए डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां पर अपनी फोटोज अपलोड करना स्टार्ट कर दो भाई, अपने अपने सर्वाइवल वर्ल्ड की, कूलर सर्वाइवल वर्ल्ड विन करेगा भाई गारंटीड। बाकी जिसने भी लाइक नहीं करी है ये वीडियो, जल्दी से लाइक कर देना, 100 के लाइक का गोल लगा रहा तुम्हारा, जो भी नया जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी करो यार, 3 मिलियन दिखा रहे दिखाने भाई यार, तुम समझ रहे हो, तुम मेरी आर्मी, तुम लोग भाई तुम नहीं चाहते कि तुम बेस्ट बनो दुनिया में, तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं अगली बार, बाय।